हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, 5,505 वैकेंसी की वेटिंग लिस्ट को लेकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है और उम्मीदवार जानना भी चाहते हैं कि क्या इस वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा। यह एक सबसे बड़ा अपडेट होने वाला है क्योंकि दोस्तों लगातार वेटिंग लिस्ट को लेकर उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही जैसे यूपी NHM की और सारी भर्तियों के भी परिणामे जारी की जा रही हैं, आंसर की जारी की जा रही हैं, तो क्या यूपी NHM द्वारा जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है 5,505 पोस्ट की वैकेंसी का, क्या थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा, इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के सामने एक अपडेट आ रहा है और यह अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं इस वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और बाकी जो भर्तियां निकल रही हैं उन पर उनका फोकस नहीं रह रहा है क्योंकि उन्हें अभी भी एक आशा है कि इस वेटिंग लिस्ट में हमारे नाम को ज़रूर रखा जाएगा और 5,505 पोस्ट की वैकेंसी पर एक बार हमारा जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का जो सपना है वह सच हो सकता है इसी वैकेंसी के अंदर। तो दोस्तों, क्या अपडेट है वेटिंग लिस्ट को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और दोस्तों आपको जानकर यह बहुत ही ज़्यादा हैरान होगा क्योंकि दोस्तों वेटिंग लिस्ट के लेकर जो अपडेट आई है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट आएगी, कब तक आएगी, कितने उम्मीदवारों को सेलेक्ट किया जाएगा उस वेटिंग लिस्ट के अंदर, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। या शेष पदों को खाली भी रखा जा सकता है क्योंकि जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं सारी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही आ रही है और यूपी NHM द्वारा उम्मीदवारों को साफ साफ एक चीज़ की घोषणा की कर दी जा रही है कि अगर यूपी NHM डिपार्टमेंट चाहेगा तब इस वैकेंसी की वेटिंग लिस्ट जारी करेगा या इस पोस्ट को या इस पोजीशन को या इस वैकेंसी के पदों को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। तो दोस्तों, क्या अपडेट है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ क्योंकि यूपी NHM की हर एक अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट शेयर की जाती है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन @ जुड़ जाइएगा क्योंकि हर एक लेटेस्ट अपडेट की नोट्स की अपडेट सबसे पहले आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन @ पर मिल जाएगी क्योंकि 2000 से प्लस उम्मीदवार उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी उस चैनल पर जरूर जुड़िए हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी 5,505 वैकेंसी की। दोस्तों, जो अपडेट निकल कर आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है क्योंकि आप सभी के सामने रिसेंटली एक पद थी उनकी जिसमें कि 1500 पदों को ऐड किया गया था, यानी कि दोस्तों प्लस किया गया था, यानी कि जो वैकेंसी 4000 पर आउट की गई थी उसको पदों की संख्या को बढ़ाया गया था। पर उम्मीदवारों को एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूज़न है कि क्या जो वैकेंसी में पद खाली थे, जो शेष थे पद 700 कुछ पद, उस पद को जोड़कर क्या 4000 जो 4000 की वैकेंसी थी उसके 1500 पद बढ़ाए गए थे या नहीं बढ़ाए गए थे। यह एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उम्मीदवारों के लिए क्योंकि दोस्तों जब इस वैकेंसी की वेटिंग जारी कर रही थी और जब उस वैकेंसी के अंदर सारी प्रक्रियाएं होने के बाद DB होने के बाद उस वैकेंसी की जो पोस्ट है वो इंक्रीज की गई, उनके पदों को इंक्रीज किया गया, क्या इसी कारण से जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है 5,505 पोस्ट की वैकेंसी की, क्या उसकी थर्ड वेटिंग लिस्ट इसी कारण से जारी की जा रही है या नहीं की जा रही है, इसी पर एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं क्योंकि जो भी प्रक्रियाएं हैं इन दोनों से लगभग मिलती जुलती आ रही हैं क्योंकि दोस्तों दोनों की प्रक्रियाओं में अभी भी पूरे तरह से इनकी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए जो भी कन्फ्यूज़न निकल कर आ रही है, जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जो अपडेट निकल कर आ रही है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, वो कुछ अलग अलग निकल कर आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर भी निकल कर आ रही हैं। जैसा कि दोस्तों आप यह कह सकते हैं कि एक तरह से इस वैकेंसी के अंदर जो 700 पद खाली थे और कई सारे पदों को जोड़कर भी इसकी वैकेंसी के कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर जो है आप सभी को पदों को ऐड किया गया है, या आप एक अपडेट इसमें यह भी निकल कर आ रही है कि जब तक इसकी प्रक्रिया चल रही हैं और जो नई भर्तियों की प्रक्रिया है उसके कारण जो है यहाँ पर जो है नेशनल हेल्थ मिशन उन चीज़ों पर वर्क कर रहा है जिसको लेकर वेटिंग लिस्ट में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। पर दोस्तों, हर एक जगह
जगह से अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है और उम्मीदवारों को सबसे बड़ा एक सिमिलर डाउट यही है कि यूपी एनएचएम की जो 5,505 पोस्ट की जो वैकेंसी है उस वैकेंसी की फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिस्ट को यहाँ पर जारी किया जाए। पर दोस्तों जो थर्ड लिस्ट है वो यहाँ पर जारी होने की उम्मीदवारों को बहुत ही कम शंका लग रही है, क्योंकि जिस तरह से पदों को जोड़ा गया है उस पदों को जोड़ते हुए यहाँ पर उम्मीदवारों को इन चीज़ों का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर उम्मीदवारों को एक डाउट है। तो दोस्तों डाउट के रिगार्डिंग जो मैं बता दूँ, क्योंकि जो पोस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं और दोनों की प्रक्रिया ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट को अपडेट है अभी तक के रिगार्डिंग आप मान सकते हैं कि 50% यह चांसेस बताई जा रही है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 5,505 पोस्ट की जो वैकेंसी है जिसमें कि 700 से प्लस शेष पद हैं उसकी वेटिंग लिस्ट आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। 60% संभावना बताई जा रही है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी आउट की गई थी 4,000 की, उसमें से भी 3,400 कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किया गया, शॉर्टलिस्टेड किया गया, जिसके कारण अभी भी इसके पदों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा शेष हैं, जिसके कारण इसकी जो पोस्टेज हैं जो इनकी जो प्रक्रिया है वेटिंग लिस्ट की वो इसमें अभी भी टाइम लगेगा ही दोस्तों। जिसको लेकर यहाँ पर आपकी यह पॉसिबिलिटी है कि जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, कम से कम यहाँ पर जो है 1500 से प्लस, यानी कि दोस्तों 1500 प्लस कैंडिडेट तैयार रहे जिनके कुछ मार्क्स के वजह से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट वो बनने वाले हैं दोस्तों, मैं वो आपको बता दूं। और जल्द ही दोस्तों आप सभी को यह चीज़ देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें आप सभी को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और दोस्तों इंतज़ार का ही फल मीठा होता है, इसलिए आप यह जान लीजिए कि जो 1500 पोस्ट हैं वो यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा जारी की जाएगी और वो जनवरी के इंड तक दोस्तों जारी की जाएगी, 27 के या कह सकते हैं 25, 26 या 27 के बीच में आप सभी की थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि इसकी प्रक्रियाओं को पूरा होने के बाद ही थर्ड वेटिंग लिस्ट पर दोस्तों काम चलेगा। और साथ ही दोस्तों जितने भी वेटिंग लिस्ट हैं उनकी प्रक्रियाओं को भी जल्द से जल्द किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा और आप यह 100% कंफर्म माने कि 1500 प्लस कैंडिडेट का थर्ड वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम आ रहा है, जिनके कुछ पॉइंट या कुछ रेशियो या कुछ नंबरों की वजह से जिनके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट नहीं हुए। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट के लिए आप बिल्कुल ही इंतज़ार करें, पर दोस्तों वेटिंग लिस्ट में आपके नाम आए या ना आए, पर दोस्तों जो आगे की वैकेंसी आ रही है यूपी एनएचएम के अंदर उसमें आप अपना फोकस करें और आगे से अपनी हर एक बारीकियों को पकड़ें और इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें आप अपने नंबर को अच्छा करें कि आप सभी को अपने वेटिंग लिस्ट के लिए इंतज़ार ना करना पड़े, डायरेक्ट ही जो आपका सिलेक्शन हो वो शॉर्टलिस्टेड पे हो। और वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को साफ साफ मैं बता दूं, आप सभी को थोड़ा सा इस वैकेंसी के लिए वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप सभी की वैकेंसी है उसकी जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।